हाँ डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस का मतलब है टाइम, यानी कि हमारी एक्शन जो है वो कब होती है। देखो एक्शन जो है वो या तो पास्ट में हो चुकी है, या प्रेजेंट में हो सकती है, या फ्यूचर में आने वाले वक्त में हो सकती है। इसलिए हमने टेंस को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखो प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें एक्शन हाल में होता है, इस वक्त होता है, जो टाइम चलता है। पास्ट वो एक्शन जिसमें एक्शन हो चुकी है, और फ्यूचर इंडिकेट करता है आने वाले एक्शन को। तो यहां पर मैंने लिखा है आपको टॉपिक टेंस। Tense has been divided into three kinds. Tense को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, that is present, past, future. Present means इस वक्त जो चलता है, past means गुजरा हुआ, और future means आने वाला। फिर हर टेंस जो है उसके चार किस्म निकलते हैं, जैसे कि present के चार किस्म, past के चार किस्म, और future के चार किस्म। तो टोटल मिला के आपको 12 टेंसेस करने हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। इट हैज 4 काइंड्स। तो पहले हम प्रेजेंट के चार क्वेश्चन करेंगे, वो कौन कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये है चार क्वेश्चन प्रेजेंट के। अब हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जो है ये किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैंने लिखा है इट हैज फॉलोइंग यूजेस। कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो नंबर वन, इट इज यूज्ड टू डिनोट प्रेजेंट हैबिट्स एंड यूजुअल रूटीन्स। देखो इंसान की प्रेजेंट हैबिट्स को, यानी कि आदत को और यूजुअल रूटीन्स को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल डेली। ये एक यूजुअल रूटीन है, हम स्कूल जाते हैं, हम जाते हैं, कल भी जाना है, परसों भी जाना है, तो ये एक यूजुअल रूटीन है, इसके लिए हमने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह दे ईट डिनर एट 9 PM, वो डिनर 9 बजे करते हैं, ये उनका यूजुअल रूटीन है या उनका हैबिट है। इसी तरह शी टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM, वो अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं, ये उसका यूजुअल रूटीन भी हो सकता है या हैबिट भी हो सकता है। वी गो फॉर द मॉर्निंग वॉक डेली। हम डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो ये जो है ये आपको प्रेजेंट हैबिट्स और यूजुअल रूटीन्स इंडिकेट करते हैं। हम ये बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल डेली, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इट शोज प्रेजेंट हैबिट्स एंड यूजुअल रूटीन्स। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज गो। तो ये हो गया उसका पहला यूज। अब देखो दूसरा यूज, इट इज यूज टू डिनोट यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिवर्सल फैक्ट्स किसे कहते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट्स वो सच्चाइयां होती हैं, वो हकायक होती हैं, जो बदलती नहीं है, जो थी हैं और रहें, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द रोज गिव्स स्वीट स्मेल, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंस के लिए जो आपको यूनिवर्सल फैक्ट्स इंडिकेट करते हैं उनके लिए हमने प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल करना होता है। वी कैन नॉट से दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज ए यूनिवर्सल फैक्ट। इसके बाद तीसरा,
It is used to show future actions with the help of time expression. अच्छा present simple जो है ये हम future के लिए भी future actions के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर साथ में फिर हमने time expression भी दिखाना है यानी कि time दिखाना है तो ये बन जाता है future जैसे कि for example we go to Delhi अगर मैं आपको इतना ही बताऊंगा we go to Delhi ये present simple है ये present ही बोलता है अब मैं टाइम एक्सप्रेशन साथ लगाऊंगा टुमारो तो हम बोलेंगे वी गो टू दिल्ली टुमारो दैट मींस कि हम कल दिल्ली जा रहे हैं तो टुमारो लगाने से ये बन गया आपका फ्यूचर दैट मींस कि प्रेजेंट सिंपल जो है उसको आप फ्यूचर भी फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप टाइम एक्सप्रेशन लगा सकते हो इसके बाद है दूसरा माय फादर कम्स टू कारगिल नेक्स्ट मंथ मेरे वालिद नेक्स्ट मंथ कारगिल आ रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ जो है ये है टाइम एक्सप्रेशन इसके जरिए ये बन गया प्रेजेंट सिंपल सॉरी इट बन गया ये बन गया फ्यूचर सिंपल अच्छा हर मैरिज टेक्स प्लेस इन मार्च 2022 उसकी मैरिज जो है वो इस वक्त होगी ये लगाने से ये फ्यूचर बनता है अब देखो एक और यूज है इसका इट डिनोट्स साइंटिफिक फैक्ट्स साइंटिफिक फैक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल करते हैं जैसे कि द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है इसके लिए भी हमने प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल करना है तो ये है सिचुएशंस जहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना होता है अब मैं आपको दिखाता हूं प्रेजेंट सिंपल जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपको देखो आई राइट अ स्टोरी ये मैंने एक सेंटेंस लिखा आई राइट अ स्टोरी मैं स्टोरी लिखता हूं अब ये जो वर्ब है ये मैं सभी पर्संस के साथ रिपीट करूंगा दैट इज फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ वहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो प्रेजेंट सिंपल होता है इसका स्ट्रक्चर क्या है देखो आई राइट अ स्टोरी वी राइट अ स्टोरी यू राइट अ स्टोरी यू राइट अ स्टोरी They write a story. They write a story. अब देखो third person singular. John, he, she, it writes a story. Writes a story. देखो आई राइट वी राइट यू राइट दे राइट बट जॉन राइट्स ही राइट्स शी राइट्स इट राइट्स दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल इनके साथ हम सिंपल वर्ब लगाते हैं यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट रोट रिटन तो हम इनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं अच्छा अब देखो ये जो है जॉन ही शी इट किसी इंसान का नाम
he, she, it. वहाँ पर हम बोलते हैं writes a letter. तो यहाँ पर मैंने verb के साथ s लगाया. ये देखो. ये आपको याद रखना है. That means इन सभी persons के साथ आपको simple root verb लगाना है. Original verb लगाना है. और third person singular के verb के साथ आपको s लगाना है. ये आपको याद रखना है. मगर कुछ verbs के साथ आपको es भी लगाना पड़ेगा. It depends के आपका verb जो है वो कैसा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जॉन ही शी इट गोज टू स्कूल. देखो यहां पर आपका वर्ब था गो, तो यहां पर हमने ईएस लगाया. ये आपको याद रखना है. John goes, he goes, she goes, it goes. इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूं. रहीम, he, she, it washes the clothes. देखो रहीम वॉशेज द क्लोथ्स, ही वॉशेज द क्लोथ्स, शी वॉशेज द क्लोथ्स, इट वॉशेज द क्लोथ्स. तो यहां पर भी हमने ईएस लगाया. तो ये डिपेंड करता है कि आपका वर्ब जो है वो कैसा होगा. तो फिर भी आपको यहां पर याद रखना है, अगर आपका वर्ब लास्ट में ओ रखता है, एस रखता है, SS रखता है, SH रखता है, या CH रखता है, या X रखता है, तो इनको टेंस बनाते वक्त आपको ES लगाना होता है. ये भी आप याद रख सकते हो. तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल. अब मैं आपको देता हूं इसका हल्का सा एक्सरसाइज देता हूं, वो करेंगे. देखो एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे फिल विद करेक्ट टेंसेस. नंबर वन, शी डैश डैश अ सॉन्ग. आपके पास वर्ब है सिंग, make present simple. दूसरा, they dash dash cricket. यहां पर आपका verb है play, make present सिंपल. एक और एग्जांपल देता हूं. यू डैश डैश वेरी फास्ट, यू डैश डैश वेरी फास्ट. आपका वर्ब है रन, मेक present simple. One more sentence. The father dash dash the room. आपके पास verb है paint, make present
सिंपल। एक और कहते हैं द मदर डैश डैश कुरान डेली। यहां पर आपका वर्ब है रिसाइट, मेक फ्यूचर सॉरी मेक प्रेजेंट सिंपल। तो ये है आपके एक्सरसाइज। अब देखो पहला सेंटेंस है शी डैश डैश अ सॉन्ग। आपके पास वर्ब है सिंग, तो क्या बोलोगे आप या क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे शी सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग्स एस लगाने लास्ट में क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब देखो दूसरा दे डैश डैश क्रिकेट। आपका वर्ब है प्ले, दे प्ले क्रिकेट। क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए सिंपल वर्ब लगेगा। यू डैश डैश वेरी फास्ट, यू रन वेरी फास्ट। चाहे सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें सिंपल वर्ब लगता है। यू रन वेरी फास्ट। द फादर डैश डैश द रूम। आपके पास वर्ब है पेंट, द फादर पेंट्स द रूम। तो यहां पर एस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पेंट्स इसके साथ एस। द मदर डैश डैश कुरान डेली। तो यहां पर हम लिखेंगे रिसाइट्स, रिसाइट्स द मदर रिसाइट्स कुरान डेली। ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल। तो अब मैं आपको देता हूं दूसरा टेंस, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट शोज एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस। At the time of speaking, but temporarily, ये ब्रैकेट में लिखता हूँ temporarily. देखो वो एक्शन जो प्रेजेंट में उस वक्त जारी होगा टेम्परेरली कुछ ही वक्त के लिए जब हम उसके बारे में बात करते हैं, ऐसी सूरत में या ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रहा हूँ या अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। यहां से कोई आएगा वो मुझे बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त, मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं उसको बोलूंगा आई एम टीचिंग द इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूं। और आई कैन से आई एम टीचिंग वट एवर, जो भी काम होगा उस वक्त तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल लिखता हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि इस वक्त जो है ये एक्शन चल रहा है और ये एक्शन टेम्परेरली होगा, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स का होगा
उसके वैध ही खत्म हो जाएगा, मैं जाऊंगा। तो इसलिए टेम्पररी एक्शंस के लिए जो उस वक्त जारी होंगी, कंटिन्यू होंगी, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। आई एम टीचिंग, सेकंड वी आर प्लेइंग। फॉर एग्जांपल अभी बाहर बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं तो मैं उनसे पूछता हूं व्हाट आर यू डूइंग, वो बोलेंगे वी आर प्लेइंग, क्योंकि वो इस वक्त खेल रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूं, इस वक्त बाहर सन जो है, सूरज वो चमक रहा है, तो मैं बोल सकता हूं द सन इज शाइनिंग। द सन इज शाइनिंग, सूरज जो है वो इस वक्त चमक रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब बारिश हो रही है तो मैं, आप कोई मुझे बोलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, कैसा मौसम है, आई कैन से इट इज रेनिंग, इस वक्त बारिश हो रही। तो ऐसे सिचुएशंस को जो उस वक्त जारी होंगे जब हम उनके बारे में बात करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। अब इसका दूसरा यूज भी है, वो भी आप याद रखोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑल्सो इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर एक्शंस। देखो फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, दैट मींस कि मुझे दिल्ली जाना है। तो यहां पर आप टाइम भी लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर आप टाइम लगाओगे, टाइम एक्सप्रेशन लगाओगे, तो लिसनर जो है वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएगा। देखो आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसमें कोई टाइम नहीं है। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, वी आर गोइंग टू इंग्लैंड, हम इंग्लैंड जा रहे हैं। तो लिसनर जो है वो समझता है मगर उसको पता नहीं है कि कब जा रहे हैं। अब अगर हम टाइम भी देंगे, टाइम एक्सप्रेशन देंगे, तो वो मेरे सेंटेंस को अच्छी तरह से फॉलो करेगा। जैसे कि वी आर गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ, तो यहां पर भी आप टाइम एक्सप्रेशन दे सकते हो। अगर नहीं भी दोगे तब भी ये आपको फ्यूचर इंडिकेट कर सकता है मगर टाइम नहीं बता सकता कि कब होने वाला। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये दो यूजेस है इसके। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देता हूं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का वो कैसा होता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको याद रखना है। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहां पर भी मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, देखो आई एम रीडिंग इतना ही काफी है, मैं पढ़ रहा हूं। अब मैं इसको रिपीट करूंगा, वी आर reading, you are reading, they are reading। अब
give a third person singular. John, he, she, it is reading. Take, I am reading, we are reading, you are reading, they are reading, John is reading, he is reading, she is reading, it is reading. Okay? तो आपने क्या देखा? आपने देखा ये जो we, you, they है, उनके साथ आपको आर लगाना है. I के साथ हमेशा आपको am लगाना है. और ये जो third person singular है, उसके साथ आपको is लगाना है. ये आपको याद है. तो अब देखो इसका structure क्या है. सबसे पहले हमने लगाया subject. सब्जेक्ट काम करने वाला. उसके बाद हमने लगाया इज एम ऑन. ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स. इससे हमारा सेंस जो है वो क्लियर हो जाता है. अगर हम बोलेंगे आई रीडिंग तो वो कोई मायने नहीं दे रहा है जब तक कि ना आप उसको वर्ब के सामने कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे. अच्छा, उसके बाद आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. ऑब्जेक्ट आप लगा भी सकते हो या नहीं लगा सकते हो. जहां पर आपको जरूरत होगी वहां पर लगा सकते हो, जहां जरूरत नहीं है वहां पर लगाना जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग, ये तो मायने दे रहा है. दे आर प्लेइंग, वो भी मायने दे रहा है. तो इस तरह से आपको याद रखना है, सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, प्लस लगाओगे इज एम और. इज एम और प्लस लगाओगे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये आपको ध्यान रखना. ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. अच्छा, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं. फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमने आईएनजी लगाना होता है. इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है. एक्चुअली ये जो आपके जो मेन कॉन्स्टेंट्स हैं प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, वो है इज एम और प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट मींस अगर आपको एग्जाम में या कहीं पर ये दिया गया है तो ये जरूरी भरना होता है. अगर इनमें से दिया गया है तो आपको ये भरना होता है फिल इन द ब्लैंक्स. ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस. अच्छा, अब यहां पर मैं आपको लिखता हूं रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल भी लिखूंगा. स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वी वन. फॉर एग्जांपल, आई रीड, I read. Subject V1, that is all. यहाँ पर subject is am or plus V4. ये आपको difference याद रखना है दो के बीच में. इसमें सिर्फ S plus V1, यहाँ पर आपको S is am or plus V4. अब यहाँ पर भी मैं आपको एक exercise देता हूँ, तो वो हम करेंगे एक हल्की सी exercise. तो क्वेश्चन लिखेंगे, फिल विथ करेक्ट टेंसेस, या वर्ब्स भी आप लिख सकते हो. नंबर वन, द वॉटर डैश डैश डैश. Second, the birds dash dash dash. यहां पर पहले में आपका वर्ब है बॉइल,
यहां पर आपका वर्ब है फ्लड. तीसरा सेंटेंस, द बॉयज डैश डैश फुटबॉल. यहां पर आपका वर्ब है प्ले, मेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस. फोर्थ, वी डैश डैश द लेसन. आपके पास वर्ब है लर्न, make present continuous. इन सभी में आपको present continuous बनाना है. इसके बाद है fifth, the rain dash dash dash. आपका verb है यहां पर fall, make present continuous. तो यहां पर भी आपको बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. मेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझा है तो आप ये आराम से कर सकते हो, फिर कोई बड़ी बात नहीं है. हम करेंगे फिर ये एक्सरसाइज. देखो, द वॉटर डैश 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 प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है. आपके पास वर्ब है बॉय, तो हम लिखेंगे द